दोस्तों, आज हर किसी के मन में पवनदीप राजन की दोस्त अरुण तकांजीलाल को लेकर एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरुण तकांजीलाल पवनदीप राजन के साथ हाल ही में कैलकाटा यानी अपने घर नहीं गई। आखिर इसके पीछे की कौन सी बड़ी वजह है, आखिर इसके पीछे की कौन सी सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सब पवनदीप अरुण तकांजीलाल के एक बहुत बड़े फैन हैं तो आज हम आप सबके लिए पवनदीप अरुण तकांजीलाल से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट और एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आ गए हैं जिसे शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अरुण तकांजीलाल पवनदीप राजन के साथ कैलकाटा इसलिए नहीं गई थी क्योंकि पवनदीप राजन कैलकाटा यानी अरुण तकांजीलाल के घर शो करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि कैलकाटा इसलिए गए थे क्योंकि पवनदीप राजन ने हाल ही में इंडो नेपाल मूवी जिसका नाम प्रेम गीत 3 है उसमें एक गाना कंपोज किया है और इसी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए पवनदीप राजन अरुण तकांजीलाल के घर यानी कैलकाटा गए हुए थे। आपको बता दें कि इस फिल्म में अरुण तकांजीलाल का कोई भी गाना नहीं है, अरुण तकांजीलाल इस फिल्म से किसी भी तरह से जुड़ी नहीं है, इसलिए अरुण तकांजीलाल का इस प्रमोशन इवेंट में जाना ही नहीं बनता था। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि पवनदीप राजन को कैलकाटा के लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि कैलकाटा के लोगों ने पवनदीप राजन को उसी तरह प्यार दिया जिस तरह अरुण तकांजीलाल को देते हैं। वेल, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।